डायरेक्टली स्टार्ट so करने से पहले आई है सरप्राइज फॉर यू ऑल जिस तरीके से आप लोग को भी ऐसे सरप्राइज लग रहा है ऐसी मुझे भी सरप्राइज मिला जो की मेरे बेबीज ने मुझे दिया ना यू मस्ट बी थिंकिंग वॉट आर बेबीज कहाँ से आए हैं ये बेबीज कौन है ये बेबीज सो बेबीज आर माय कॉलेज फ्रेंड्स हम लोग कॉलेज में मिले थे डिजाइन कॉलेज में ऑफ कोर्स एंड डे वन से ही हम लोग का बॉन्ड इतना अमेजिंग रहा है जो कि आज तक अभी भी है हम अभी भी ट्रिप्स पे जाते हैं आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल कि मुझे इतने प्यारे दोस्त मिले कॉलेज में लाइक आई हैव अ लॉट आई हैव ग्रोन अ लॉट विद देम थैंक यू सो मच साइली समीहा संचिता एंड शैलजा फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट मैं लाइफ में कभी भी इतनी थॉटफुल नहीं हो सकती मुझे लगता है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट्स ये ऐसी चीज है जो मैं खुद से कभी नहीं ले सकती ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हमें अच्छी लगती बट हमारे ऐसे दिमाग में नहीं आता कि वी शुड रियली बाय इट और नॉट क्या ये अच्छा लगेगा कि नहीं थैंक यू इस सेटअप को इस छोटे से स्टूडियो को और भी ज्यादा ब्राइट करने के लिए Moving on to this video, as you guys know, Ganesh Chaturthi आ रही है, and आप लोगों के इतने सारे request already हैं Ganesh Ji से related, abstract painting से related, clay modeling से related, what not, and I was like, why not combining each and everything thing and कुछ इतना ऐसे bomb type का amazing ये क्यों ना बना दे? मैंने सोचा है कि मैं 3D आर्ट बनाऊंगी, थ्री डी मॉडलिंग करूंगी गणेश जी की एंड उसके बाद उसे पेंट करूंगी बट आई एम वेरी 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 नर्वस राइट नाउ बिकॉज मैंने बोल तो दिया कि मैं ये सब करूंगी बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग गणेश जी ऐसे थ्री डी में एंड अभी तक मैंने जो भी थ्री डी आर्ट किया है टू डी आर्ट किया है वो सारा ऐसे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट एंड यू नो थोड़ा कंपेरेटिवलीजी साइड में है एंड लाइक रियली क्रेजी मैंने डिसाइड तो कर लिया है बट अब मुझे ऐसा लग रहा है क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं बिकॉज आई एम वे टू नर्वस राइट नाउ गाइज दैट इज वाई मेरी थोड़ी ऐसे धक 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 टाइप्स हो रहा है बट आई एम श्योर हम लास्ट में कुछ अच्छा बना लेंगे आई होप सो बट या कॉमन ऑन बिलो एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दो यार आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे वॉट डू यू थिंक ये मैं सही से कर पाऊंगी या और सका इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोग के कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब इस बार तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं उनका आंसर दूंगी सो वॉच टिल द एंड एंड अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हैं सो कॉमन ऑन बिलो एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो पता नहीं इस बार थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है बट एनी वे गाइज आई बॉट दिस मॉडर्न क्लेव फ्रॉम अ लोकल स्टोर एंड दिसर अराउंड टू एस एंड आई नो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है बट आई हैदर ऑप्शन इट्स लाइक आई बैडली वॉन्टेड टू यूज टेरा कोटा क्लेव बट टेराकोटा क्ले की डिलीवरी इतनी लेट थी ये वीडियो ही नहीं बन पातीस दिस वॉज दी ओनली पॉसिबल वे में ये वीडियो बना पाती इसीलिए मैंने सोचा छोड़ यार ले लेते हैं बाई द वे दीज आर माई क्ले टूल्स आई थिंक मैंने आपको आज सप्लाईज वाली वीडियो में भी दिखा रखे है एक दो ही यूज करूंगी टू तो क्रिएट आर क्यूट लिटिल गणपति जी एंड एज यू कैन सी एम स्टार्टिंग विदेस फर्स्ट फाइनल फिनिशिंग टच देने के लिए मैं ब्रश का यूज करूंगी एंड ऑफकोर्स वॉटर का यूज करूंगी एंड उससे हमारा क्ले एकदम स्मूद हो जाएगा एंड जब हमारा बेस फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैंने फोर पार्ट्स बनाए हैं एंड अब मैं पार्ट्स को फटाफट अटैच कर दूंगी अपने बेस के साथ अभी के लिए मैं बिल्कुल नहीं दूंगी गाइज इट इज जस्ट अक्चर लुक ऑफ हार्ट एग्जैक्टली लुक्स फ्रॉम आगे पीछे दाए बाय ऊपर नीचे बाय द वे इफ यू गाइज अ वरिंग टेक्स्टर कैसा है सो लेट मी टेल यू इट इज अट्स यस ये यू हर इट राइट इट इज अट्स एंड दैट इज वाई इसको कंट्रोल करना इज अथ डिफिकल्ट बट येस एनी वे खरीद लिया है बनाना तो है ही आई एम गोन यूज इट बट आई वुड से दट टेरेकोटा इज अ बेटर मटीरियल कमिंग बैक टू दिस अब मैं गणेश जी का हेड अटैच करने वाली हूँ उनकी बॉडी के साथ so, सबसे पहले मैं पेन डालूंगी जिससे की इन फ्यूचर गणेश जी का हेड अलग ना हो अब मैं गणेश जी के हाथों के लिए क्ले के दो रोल्स बना रही हूँ एंड उनको आराम से अटैच कर रही हूँ बॉडी के साथ सो एज यू कैन सी द प्रोसेस ट नाउ इज वेरी इजी ज्यादा कुछ है भी नहीं हालांकि आपको लग रहा है तो गणेश जी लग भी नहीं रहे यार कुछ भी मतलब बट होल्ड ऑन एंड के पार्ट में हम डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे अभी के लिए इट इज जस्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर एक चीज मैं बताना भूल ही गई मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके अपना हैंड वॉश करी एंड दैट इज वाई आपको मेरे हाथ में ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे <laughs> हम क्लेब के साथ जब काम करते हैं तो क्ले ना हमारे हाथ पे ड्राई हो जाता है एंड जब वो ड्राई होता है तो वो जो भी हमारा मेन चीज है जो हम बना रहे हैं उस उसपे जाके चिपकता रहता है इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड वो ख़राब करता है अल्टीमेटली हमारे आर्ट पीस को अब मैं फटाफट हमारी क्यूट लिटिल गणेश जी की सूंड बना रही हूं। यार लुक एट दिस गाइस अब गणेश जी फाइनली गणेश जी लगने शुरू हो गए है न uh, मैं इसी तरीके से गणेश जी पे और भी डिटेलिंग्स ऐड करती रहूंगी जिससे हमारे गणेश जी और भी ज्यादा गणेश जी लगते चले जाए एंड अब uh, मैं जा रही हूँ टू मिनट्स के ब्रेक के लिए टिल देन मैं गणेश जी को वेट क्लॉथ से कवर कर दूंगी जिससे की मेरे पीछे ड्राई ना हो जाएंगे गलती से भी ये वंस आई एम बैक नो एम आर इन फ्यू मोर डिटेल एज आई से गणेश जी के वस्त्रों पे भी

दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई डों मैंने इससे पहले कोई थ्री डी चीज इतनी छोटी बनाई होगी एंड आई वु ये मूर्ति बनाना इज इवन मोर डिफिकल्टिकॉज तुम थोड़े बड़े साइज में बनाते हो चीजें तो उसे कंट्रोल करना चीजों को थोड़ा इजी होता है बट अगर आप वही चीज छोटी बनाते हो तो उसमें एलिमेंट्स एड करना डिटेलिंग एड करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है ओके गाइस अब भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं एंड दिस टुक मी ऑलमोस्ट लाइक वन एंड हाफ डे जिससे ये पूरे अच्छे से कम्पलीटली ड्राई हो जाए एंड सच बताओ क्या घर पे सबको ये ऐसे ही इतने पसंद आ रहे हैं एंड आई थिंक नाउ यू आर गुड टू गो अब हम फटाफट इसमें पेंट करके इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं बट बिफोर प्रोसीडिंग टू डेट गाइज हमें गणेश जी के पीछे एक कपड़ा रखना होगा जिससे की गणेश जी गलती से भी खराब ना हो जाए अदरवाइज मेरा तो काफी मूड ऑफ हो जाएगा यूज माई एक्रोलिक पेंट एज यूजल टू पेंट आर लिटल गणेश जी स्किन कलर बनाया है मैंने यूजिंग व्हाइट येलो रेड एंड अबेटिव ब्लैक कलर एंड मैं फटाफट गणेश जी को कवर कर दूंगी स्किन कलर से एंड यस दिस इज वॉट आ गणेश जी लुक्स लाइक मम्मा तो कमरे में आ गई बीच में एंड शी सॉट एंड शी वॉज लाइक वाय यार ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है हालाकी देखा जाए तो गणेश जी में ऐसा पेंट करने का कुछ है नहीं क्योंकि एलिमेंट्स ही इतने कम है फटाफट बालों पे ब्राउन कलर अब आप देख सकते हो टॉप व्यू भी गणेश जी का प्यारा है। yes, मैं मैं पे ध्यान दूंगी एंड अब मैं अपने सबसे छोटे एलिमेंट पे कलर करने वाली हूँ चूहा छोटू चूहा चूहा छोटा ही होता है जी के ऑर्नामेंट्स पे उनके मुकुट पे कलर अप्लाई करना प्लाया प्लाया। स्टार्ट कर दूंगी सो योर आई एम यूजिंग येलो एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव दिस पीस, गाइस। एंड सच बताओ तो लाइक like, सीरियसली मैं इस बार अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर गई यस वंस दैट इज डन अब हमारे गणेश जी फाइनली कंप्लीट हो रहे हैं एन आई एम लविंग इट डू एबलीमन डॉन मिलो एंड लेट मी नो इफ यू लाइक द प्रोसेस आल्सो गाइस इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो करना मत भूलना अगर आपने कमेंट कर दिया तो तो मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है होने के बाद मैं डायरेक्टली अब इस पे वार्निश अप्लाई करूंगी जिससे कि हमारे गणेश जी हमेशा ऐसे ही रहे और कभी तो खराब ना हो ओके गाइस सो लुक एट दिस एंड मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस कि गणेश जी इतने प्यारे लगेंगे एनीवे मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट सो योर आई है फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कम्प्लीट योर आर्ट विद योर नेल्स आई मीन डोट यू फील अनकंफर्टेबल विद योर नेल्स वाइल डूइंग योर आर्ट एन क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा हैल्स का एंड आर्ट का क्या कॉम्बिनेशन है क्या मैं ब्रश एकदम सामने से तो नहीं पकड़ती की नेल्स बीच में आ जाते हैं सो आई डोंट थिंक सो आर्ट करते हुए नेल्स का कोई कॉम्बिनेशन है कोई डिफ़िकल्टी होती है बट येस yes, जब मैं क्ले मॉडलिंग करी थी एज यू हैव ऑलरेडी सीन इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट पहले मुझे भी बड़े नेल से बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती थी एंड यूट्यूब से पहले मैं नहीं रखती थी राइट right हैंड का तो बिल्कुल नहीं बट यार लुक एट मीन आओ एंड मुझे पता है अच्छा लगता है हाथ से खाना मतलब यू नो राइस एंड जो भी कुछ भी घर पे बनता है मैं हाथ से ही खाना प्रेफर करती हूँ बट जब से नेल्स लंबे हुई हैं मैं वो भी चीज़ें वैसे यू नो मिस करने लगी हूँ क्योंकि सो या दिस इज इट का आंसर काफ़ी सैड था बट या आर एनी वे मूविंग ऑन टू दो सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू सेल योर आर्ट वर्क सो आप में से काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं ई मेल भी मुझे काफ़ी आते हैं इनफैक्ट कमेंट्स में भी पूछते हैं सो इनिशियली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड मेरी पेंटिंग्स को सेल करने के लिए मुझे काफ़ी कैनेडा से भी लोगों ने अप्रोच किया था राधा कृष्णा के लिए स्पेशली बुद्धा पेंटिंग के लिए एंड मैंने कोटेशन भी दे दी थी एंड दे वो फाइन विद इट बट आई वॉज लाइक

बनाने के बाद विल आई मेक इट इट ऑल ओवर बोला तो फिर रहने दे यार सो मोर लाइक मेरी कितनी सारी पेंटिंग्स अभी भी ड्रॉर के अंदर है कबर्ड के अंदर है बट आई डोंट फील लाइक सेलिंग दैम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं गए मतलब इट इज जस्ट दी स्टार्ट एंड यस देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा बट हाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि आर्ट सेल करना एंड ये सारी चीज़ें करना गलत चीज़ है दिस इज वॉट आई प्रेफर एडिशनली मैं एक रेगुलर जॉब भी करती हूँ सो so, मैं एक ही पेंटिंग बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ पूरे हफ्ते में हाँ तो मैं प्रेफर नहीं करती नाउ कमिंग टू आर थर्ड क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्वीट है क्यूट है आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें हैं बट ये बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है विच इज इफ़ यू कम्प्लीट योर हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स विल यू स्टिल डू अ क्यू ए एशन विल यू स्टिल कंटिन्यू विद योर क्यू एन ए सेशन सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिसने भी ये पूछा है यू आर सो स्वीट एंड आपने इतनी दूर की सोची फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑफ ऑल मैं इसका आंसर ये दूंगी कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगी जब मैंने इनिशियली यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करी थी जब मेरे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे गाइस तब आपने देखा होगा कि मैं तब मैं बहुत अनकंफर्टेबल होगी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती थी लेकिन कैमरे के सामने ऐसे नो कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाती थी सो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आई हैव ग्रोन एंड आई हैव लर्न हाउ टू बी कंफर्टेबल कैमरे के आगे एंड एवरीथिंग सो येस आई वुड सी दैट जब मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हंड्रेड के हो जाएंगे ओ माई गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल देट इज़ अ ड्रीम फॉर मी राइट नाउ एंड अगर वो ड्रीम पूरी होती है तो मैं आई थिंक और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगी और भी ज़्यादा चिल करेंगे हम यूट्यूब वीडियोज़ में एंड मज़े करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे एंड पता नहीं क्या क्या करेंगे सो येस डोंट थिंक दैट वे कि मैं बदल जाऊँगी या मैं जो चीज़ें अभी करती हूँ मैं तब नहीं करूँगी मैं सेम रहूँगी तो so यार, yeah, I think this was it for today's video. Do let me know in the comment section below what do you think about this video. Additionally, guys, आप लोगों ने starting में जो comment किया था कि आपकी क्या expectations हैं, अब comment करके बताओ कि क्या मैं आपकी expectations fulfill करी, क्या नहीं करी? I hope करी होंगी, मैंने तो अपनी करी है। So yes, thank you so much for all the love and support. आप लोग Instagram पे भी इतना प्यार देते हो यार, मतलब, oh god. एनी anyway, वे मैं वापस से थैंक यू थैंक यू इमोशनल इमोशनल क्राइंग क्राइंग वाली एंडिंग नहीं दूंगी सो यार थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ डिफरेंट आर्ट पीस के साथ कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए टिल देन टेक केयर स्टे सेफ बाय एंड सो यस इफ यू लाइक द वीडियो यू नो द ड्रिल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोर टू प्रेस दी बेल आइकन जिससे जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चलेगा सो यस लेट्स जस्ट